आज हम आपके सामने में रीजनिंग कोडिंग कोडिंग पार्ट टू लेके उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने आपको कोडिंग कोडिंग का पार्ट वन बताया था, जिसमें कि अभी जो नया पैटर्न नया ट्रेंड चल रहा है रीजनिंग का, उसमें आपको एक नया रीजनिंग के बारे में कोडिंग कोडिंग के बारे में जानकारी दिया था। उसी क्रम में उसी श्रृंखला में आज हम आपको कोडिंग कोडिंग का एक फिर नया रीजनिंग बताएंगे और नया टाइप का रीजनिंग लेके उपस्थित हुए हैं, जिसको कि सॉल्व करने में 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको 30 सेकंड टू 40 सेकंड लगेंगे। अगर आप लॉजिक को पकड़ पाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अगर आप लॉजिक को नहीं पकड़ पाएंगे तो इट विल टेक द टाइम, समय लगेगा इसमें। तो इसमें अभी जो हम आपको बोर्ड पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो एकदम नया टाइप का कोडिंग कोडिंग है। इसमें वेरिएशन होता है सिर्फ आपका सिंबल चेंज होता है, सिर्फ सिंबल चेंज होता है और फिर उसके हिसाब से सीक्वेंस काम करता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ट्राइंगल रिप्रेजेंट 100, ट्राइंगल का जो सिंबल है ट्राइंगल का ये रिप्रेजेंट करता है 100 को, एंड सर्कल सर्कल का जो सिंबल है रिप्रेजेंट करता है 0, सर्कल का सिंबल 0 को रिप्रेजेंट करता है। इफ ट्राइंगल अपीयर्स इन यूनिट प्लेस, अगर ट्राइंगल अपीयर्स यहाँ पे यूनिट प्लेस में है देन इट्स वैल्यू इज 100। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है इसका वैल्यू 100 है। इफ ट्राइंगल अपीयर्स इन टेंस प्लेस, अगर ट्राइंगल्स का वैल्यू 10 तक टेंस प्लेस में जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है डबल। इसका लिखा हुआ है दिस वैल्यू इज जस्ट डबल ऑफ 100 दैट इज 200। यहां पे इसका वैल्यू देखिए 200 लिखा हुआ है। इसके बाद इशारा क्यों कर रहा है, इफ ट्राइंगल अपीयर्स इन 100 प्लेस देन इट्स वैल्यू इज जस्ट डबल ऑफ 200। अगर यहाँ पे देखिए आप क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल जो है ये 100 प्लेस में है तो इसका वैल्यू डबल हो गया 200 का, ये हो गया मेरा 400। और इसी क्रम से ये सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है, मतलब इसके बाद अगर ट्रायंगल का प्लेस 1000 में है या इसका प्लेस 1 लाख में है 10000 में है तो फिर इसका वैल्यू डबल होते जा रहा है। तो इसमें इस पूरा क्वेश्चन में आपको जो वेरिएशन मिलेगा वो पहला वेरिएशन मिलेगा सिंबल का, सिंबल यहाँ पे हमने डाला है ट्राइंगल और यहाँ पे सिंबल हमने डाला है सर्कल, तो वेरिएशन इसमें रहेगा आपका सिंबल का। ये ट्राइंगल की जगह में हैश हो सकता है, डॉलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और सर्कल के जगह में भी आपका कुछ भी हो सकता है, हैश डॉलर ट्राइंगल रेक्टेंगल क्वेश्चन मार्क। और इसमें जो है सबसे गौर करने वाली बात है कि आपको देखना है कि फर्स्ट जो इसका वैल्यू है वो 100 या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो सकता है। अभी हमने आपको दिया है 100, ये वैल्यू 5, 10, 15, 25 कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे कौन कोई ऐसा सिंबल रहेगा जो कि आपको 0 को रिप्रेजेंट करेगा, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो सर्कल हो सकता है, या तो हैश हो सकता है, और उसी क्रम में ये सिस्टम काम करेगा। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हो और इस पूरा सीक्वेंस में आपको एक ऐसा सिंबल मिलेगा जिसका वैल्यू 0 होगा और आपका ये इसमें बोर्ड में आपका क्वेश्चन में कंप्यूटर में ऐसा दिखा रहेगा और ये भी आपको प्रूव दिया जाएगा कि इसका वैल्यू डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है या वैल्यू इसका 4 टाइम्स हो रहा है। ये पूरा सीक्वेंस आपको उस हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे जो आपका वेरिएशन हो सकता है सिंबल का वेरिएशन हो सकता है, दूसरा जो वेरिएशन हो सकता है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू का वेरिएशन हो सकता है। हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 100, 200, 400 डबल होते जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 5, 10, 20, 40, 80 ऐसा भी हो सकता है। ये सारा पैटर्न जो होता है वो एक ही सिस्टम में काम करेगा और आपको देखना है कि इसका वैल्यू डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है या 5 टाइम्स हो रहा है, वो आपको एग्जाम में देखना होगा। और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ है और किसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, इस दो चीज का सबसे ज्यादा जरूरी है ख्याल रखना। अब इस बेसिस में अब जब आप इस सीक्वेंस को जा रहे हैं, ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस में आपको यहाँ पे क्लू दे दिया गया है, इस क्लू को यूज करके आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी हमने बोल दिया आपको 3 क्वेश्चन डाला है, इस 3 क्वेश्चन का आंसर देने में मैक्सिमम आपको लगेंगे 15 से 20 सेकंड अगर आप इस सीक्वेंस को अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि इसका वैल्यू जो है अगर ट्राइंगल का प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है, यूनिट प्लेस देन अगेन 10 प्लेस देन अगेन 100 प्लेस देन अगेन 1000 प्लेस देन अगेन 10000 प्लेस तो इधर का न्यूमेरिकल वैल्यू राइट साइड का वो डबल होते हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम आपको यूटिलाइज करना है। और जो सबसे अहम चीज है जो आपको हर समय माइंड में रखना है वो कि 0 किसका वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सर्कल को। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम जा रहे हैं पहला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ विल यू रिप्रेजेंट 1200 इन कोड लैंग्वेज।
आपके पास ऑप्शन में कोड डालना हुआ है, कोड डालने के बाद बोलना है कि इस चारों कोड में से एबीसीडी में किसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1200 होगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए 100, फिर इसका डबल वैल्यू इधर हो जाएगा 200, फिर इसका डबल वैल्यू इधर हो जाएगा 400, और यहाँ पे देखा है आपने कि 70 रिप्रेजेंट करता है जीरो को, 70 का वैल्यू है जीरो। तो इस 70 वाले प्लेस को हम यहाँ से काट देते हैं, तो इस दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए ये मेरा वैल्यू हो गया 600, लेकिन हमको चाहिए 1200, तो ये मेरा वैल्यू नहीं होगा। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे, ये मेरा वैल्यू है 100, इसका अगर डबल करेंगे तो 200, फिर इसका अगर डबल करेंगे तो 400, और 70 का वैल्यू जीरो है तो हमने इसको काटा, तो मेरे पास ये दोनों को एडिशन करने के बाद वैल्यू मिला 300, तो मेरा बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं सी नंबर में, इसका वैल्यू है मेरा 100, हम 100 इसीलिए यहाँ पे ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो फिर यहाँ पे हम जा रहे हैं 100, देन अगेन 200, देन अगेन 400, यहाँ पे 800, तो इस दोनों वैल्यू को हमने काट दिया। क्यों काटा? तो बिकॉज सर्कल रिप्रेजेंट जीरो, तो इसका भी वैल्यू हो गया हमारे पास में 300। अब हम पहुंचते हैं इस वैल्यू के पास में, तो नंबर में 100, 200, 400 एंड 800, जब हमने इस वैल्यू को काटा और इस दोनों को एडिशन किया तो मेरा आंसर आ गया 1200, तो आंसर लिखा डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमने 100 से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज इसका ट्रायंगल का वैल्यू 100 दिया हुआ है, अगर इसमें ट्रायंगल का वैल्यू 5 रहता तो हम यहाँ से स्टार्ट करते 5, देन उसका डबल 10, देन उसका डबल 20, फिर उसका डबल 40, फिर उसका डबल 80, इसी सीक्वेंस में चला जाता। तो इस सीक्वेंस में जब गए तो हमारा इस क्वेश्चन में देखना है कि जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को, तो जहां जहां सर्कल था हमने उसको काटा तो उसका वैल्यू जीरो है, वो वैल्यू लेस है, और उसके बाद जब एडिशन किया वैल्यू को तो ये मेरे पास आ गया 1200, तो दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल देन अगेन सर्कल एंड देन अगेन ट्रायंगल, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिव बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है कि इसका वैल्यू हमने डाला 100, तो इसका डबल इधर हो जाएगा 200, फिर इसका डबल हमने किया 400, फिर इसका डबल किया 800। अब जो हमारे पास में सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को, तो हमने इसको पूरा का पूरा काट दिया, तो हमारे पास में वैल्यू हुआ 800 + 400 + 100, तो आंसर इज द 1300, तो हमारे पास में डी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 1300। तो इसमें भी हमने सेम रूल अप्लाई किया, ट्रायंगल का वैल्यू 100 एंड देन सर्कल का वैल्यू जीरो, और फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट हमने वैल्यू को डबल कर दिया, एंड डबल करने के बाद एडिशन किया वैल्यू को, था हमारा डी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कोड, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, चार ट्रायंगल यहाँ पे देख रखा हुआ है, इस चारों ट्रायंगल में इसका वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं 100, फिर इधर जा रहे हैं 200, फिर इधर जा रहे हैं 400 एंड देन अगेन 800, सब वैल्यू को हमने डबल किया, डबल क्यों किया, तो इसमें आपका जो डिस्प्ले और उसमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो वैल्यू इसका डबल हो जाएगा, अगर इसी सीक्वेंस में इधर था 10 या 5 या मेरा 20, तो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट हम उसको डबल करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहीं सर्कल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं सर्कल नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल है, तो अब क्या करना है कि बाकी सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना है, तो ऐड करने के बाद मेरे पास 800 + 400 + 200 + 200 + 100 = 1500, तो ऑप्शन इधर सी, सी नंबर ऑप्शन में देखिए कि आपके पास 1500 अवेलेबल है। तो आज हमने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग का एक नया टाइप का क्वेश्चन, जिसमें वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है सिंबल का, वेरिएशन हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू का, एंड वेरिएशन हो सकता है आपका प्लेस वैल्यू का। तो अगर प्लेस वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो, अगर आपका सिंबल चेंज हो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक वर्ड था वैल्यू डबल हो जाता है, फिर इसके बाद आप जब पढ़ेंगे यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है कि वैल्यू मेरा डबल हो जाता है, इस बार इस वर्ड को आप गौर करेंगे
गौर करने के बाद जब से वैल्यू फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू को डबल करते चलेंगे, जिस भी सिंबल का वैल्यू जीरो रिप्रेजेंट करेगा उसको वहां पे क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे और बाकी को एडिशन कर देंगे, तो फिर आपका आंसर वहां से निकल जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट टू में आज हमने आपको नया टाइप का कोडिंग डिकोडिंग सिखाया है और इससे बहुत तरह का वेरिएशन हो सकता है, उस वेरिएशन के बारे में बताया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हम हर रोज एक नया नया कोडिंग डिकोडिंग, हर रोज रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपको आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपको मदद करेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगर आपको कुछ पूछना भी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगला दिन हम फिर आपको एक नया चैप्टर रीडिंग का और नया तरह का रीडिंग लेके आपके सामने उपस्थित होंगे।